आज राम नगरी अयोध्या में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी तो मानो जनमानस त्रेता युग से जुड़ गया। पूरी दुनिया इन ऐतिहासिक पलों की साक्षी बनी जब करोड़ों भारतीयों की राम मंदिर निर्माण की इच्छा फलीभूत हुई। मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन की शुरुआत की गई और फिर प्रधानमंत्री के हाथों आधारशिला रखे जाने के साथ ही मंदिर निर्माण का विधिवत आरंभ हो गया। भूमि पूजन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। शिलान्यास से पूर्व प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने पारिजात का पौधा भी रोपा। भूमि पूजन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताते हुए विश्व भर के सभी राम भक्तों को बधाई दी। राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश भावुक है क्योंकि सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि उनका सपना साकार हो रहा है। मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। यह महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने के साथ ही समूचा उत्तराखंड उल्लास में डूब गया। प्रदेश भर में जगह जगह लोगों ने मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को बधाई दी। बद्रीनाथ धाम समेत तमाम मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। बाजारों को विशेष तौर पर सजाया गया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण देखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई वर्षों के संघर्ष के बाद आज यह स्वर्णिम अवसर आया है। देश और अयोध्या में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो काफी समय से अखंड रामायण का पाठ एवं रामधुन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर बने, हजारों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया। आज उन हजारों लोगों का संघर्ष फलीभूत हो रहा है। मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे संघ प्रचारक मोरोपंत पिंगले, अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ और बलिदान देने वाले कोठारी बंधुओं को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री रावत ने कहा कि जल्द ही अयोध्या जाकर वे भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे।